न्यूज जहाँ पर मैंने लगातार दस साल काम किया और इसके बाद अक्टूबर 2015 में मैंने डायनामाइट न्यूज समूह की स्थापना की और पहले चरण में अंग्रेजी का न्यूज़ पोर्टल मैंने लॉन्च किया था कभी कोई समारोह नहीं किया यह पहली बार है अगर कोई चूक रह जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा और अब पहली बार जो है एक आप लोग अपने जो परिवार के बड़े लोग हैं उन सभी लोगों को बुलाकर एक आशीर्वाद लेने का मौका मिला है और डायनामाइट न्यूज का आज हिंदी पोर्टल का हम लोग लॉन्चिंग करेंगे इस पोर्टल की दो सबसे बड़ी खास बातें हैं एक कि डायनामाइट न्यूज यह यूपी केंद्रित है जो देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ सिर्फ सारी पॉलिटिकल गतिविधियाँ होती हैं सभी बड़े राजनीतिक दलों के चेहरे यूपी से आते हैं और यूपी की राजनीति देश को प्रभावित करती है तो डायनामाइट न्यूज़ पर यूपी की हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिलेगी दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारे लोकतंत्र के चार पाएँ हैं विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका और मीडिया में सबसे अहम रोल अगर किसी का है चार पाए में तो एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे ब्यूरोक्रेसी का कार्यपालिका का और ब्यूरोक्रेसी से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले डायनामाइट न्यूज़ पर मिलती है और कई बार अच्छा लगता है अभी सीबीआई डायरेक्टर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ तीन घंटे पहले डायनामाइट न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया था उसके बाद कई बड़े चैनलों ने ब्रेक किया तो बड़ी खुशी हुई तमाम Uh, मेरे पास फोन आए एक uh, वेस्ट बंगाल कॉर्डर के सीनियर आई एस अफसर साहब का फोन आया कि देखिए डायनामाइट न्यूज़ ने खबर दी है क्या यह खबर सही है हमने कहा यदि डायनामाइट न्यूज़ ने दे दी तो यह खबर सही है और मुझे अपने स्रोत पर भरोसा था और बाद में दो घंटे बाद वह खबर सत्य साबित हुई तो हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि डिजिटल मीडिया का मतलब सूचना सूचना सबसे पहले कौन दे रहा है लेकिन सबसे पहले में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी सूचना गलत ना हो अगर क्रेडिबिलिटी घटी तो फिर कोई मतलब नहीं है उस सही सूचना का पहली जो सबसे पहले आप दे रहे हैं तो सबसे तेज हो लेकिन सबसे विश्वसनीय हो ये डायनामाइट न्यूज़ की पूरी कोशिश है इसके पीछे हमारे नौजवान संवाददाताओं की टीम है और अभी हम बहुत छोटे स्वरूप में हैं धीरे धीरे आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे समारोह के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रसार भारती बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और 1966 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के, के आई ए अफसर परम आदरणीय अरुण भटनागर साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूं बतौर मुख्य अतिथि मंच पर आप के बारे में जितना कहा जाए कम है आपने जो है आप भारतवर्ष के मशहूर वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर साहब के पौत्र हैं जिन्होंने जिनके नाम पर तमाम वैज्ञानिक पुरस्कार हैं और आप डी के सेक्रेटरी सहित तमाम मंत्रालयों के सचिव भी रहे और शांति स्वरूप भटनागर साहब ने सी एस आई आर के कॉन्सेप्ट की संरचना की अब मैं देश की एक बहुत बड़ी हस्ती विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय बिंदेश्वर पाठक साहब को बुलाना चाहता हूँ बिंदेश्वर पाठक साहब आज के हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं तो केंद्रीय मंत्री साहब से मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर जब मैंने उनको बताया कि मैं पांच मिनट लेट हुआ क्योंकि मैं एक मीटिंग में गया था डॉक्टर पाठक के पास तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पाठक तो देवता समान हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे से आदेश पर छोटा बड़ा नहीं कह सकता आदेश आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस तरह इन्होंने मथुरा के वृंदावन में विधवा महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया है हम जैसे नौजवानों के लिए पाठक साहब स्रोत हैं अब अपने विशिष्ट अतिथि की अगली श्रेणी में मैं देश के जाने माने कानूनविद और हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब का स्वागत कर रहा हूँ जो हमारे बीच हैं पधारें आपका स्वागत है इनसे मैं जुड़ा डॉक्टर एल एम सिंघवी जी की जब डेथ हुई अक्टूबर 2006 में तो मैं एज अ दूरदर्शन के रिपोर्टर कवरेज करने गया मैक्स में वहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे अशोक सेठ साहब उनकी आंखों में आंसू था जब मैं डॉक्टर एल एम सिंघवी जी की डेथ पर इंटरव्यू कर रहा था तो इनसे पारिवारिक हमारा एक जुड़ा हुआ अगले कड़ी में मैं हमारे यूपी के बहुत ही जामबाज और युग कहें शेर ऑफिसर आई ऑफिसर और भारत सरकार में कोयला मंत्रालय से लेकर तमाम मंत्रालयों में सचिव और वर्तमान में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के सचिव और यूपी की शान अनिल स्वरूप साहब का मैं सम्मान करना चाहता हूँ बतौर विशिष्ट अतिथि बहुत कम समय में रिक्वेस्ट पर आपने बेहद कीमती समय में से हमारे बीच पढ़ा हैं अब मैं आलोक श्रीवास्तव सर का आ, निवेदन करना चाहूँगा हमारे शिपिंग डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी हैं बतौर विशिष्ट अतिथि मैं स्वागत करना चाहूँगा आलोक श्रीवास्तव सर इसी कड़ी में मैं एस के रूंगटा साहब हमारे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और देश की औद्योगिक नब्ज़ को समझने वाले एस के रूंगटा साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच संजू मित्तल साहब हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी सीनियर आई ए एस काडर के, मैं आपका, आम, के, के, के सर, मैं आपका आमंत्रित करना चाहता हूं बतौर विशिष्ट अतिथि हमारे बीच हैं दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक दूरदर्शन न्यूज़ के और वर्तमान में आर एन आई के रजिस्ट्रार एस एम खान सर बतौर विशिष्ट अतिथि मैं आपका आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर और एक और शानदार बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटी अमिताभ यस यूपी काडर के जांबाज आईपीएस जिनके नाम डेढ़ सौ से ज़्यादा एनकाउंटर करने का खिताब अमिताभ यस जी के नाम है यूपी के जाम्बाज आईपीएस ऑफिसर हैं और इस समय आईजी जीआरपी जी हैं यूपी में जितने भी बड़े यूपी में दुर्दांत तो अपराधी मारे गए हैं इसका श्रेय अमिताभ यश जी को जाता है दस जितने भी चंबल में हमारे दुर्दांत डकैत थे ठोकिया से लेकर के सारे निर्भय गुजर ददुआ सबको मार गिराने का श्रेय और यूपी को अगर दस्यु मुक्त और हार्ड कोर क्रिमिनल मुक्त करने का श्रेय जाता है तो अमिताभ यश जी को हम सौभाग्यशाली है कि वो हमारे बीच हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब के स्वागत के लिए मैं एक बहुत ही नौजवान आशुतोष अग्रवाल को बुला रहा हूं आई आई टी एन आशुतोष अग्रवाल जिन्होंने डायनामाइट न्यूज के आई टीम को ज्वाइन किया और संभाला और देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने इस वेबसाइट के जनक जो है आशुतोष अग्रवाल और इनकी टीम है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस वेबसाइट तो बहुत होती है लेकिन इस वेबसाइट की खास बात यह है कि बहुत जबरदस्त यूजर फ्रेंडली है आलोक श्रीवास्तव सर को सृजा चौधरी बुके देकर सम्मानित करेंगी के रूंगटा जी को रुचि सर्राफ बुके देकर सम्मानित करेंगी अमिताभ या साहब को सैयद सैयद हमारे आशुतोष अग्रवाल के साथ ही इन दो लोगों ने मिलकर के पूरी आईटी की परिकल्पना की है कि एक नेशनल न्यूज पोर्टल को कैसे चलाया जा सकता है उसके पीछे सिर्फ दो लोगों का दिमाग है और ये जो है अमिताभ यज साहब को बुके देकर सम्मानित करेंगे और अंत में मैं एस एम खान सर जो हमारे डी हैं और हमने बहुत आशीर्वाद दिया बहुत विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया और अब यार की घड़ियां आ गई सबसे पहले जो है हम डायनामाइट न्यूज के न्यू लोगों का अनावरण करेंगे इसके बाद अब हम न्यूज के हिंदी पोर्टल जो बहुत पहले चरण की तिहत्तर सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार ये हमारा सबसे ऊपर का है यहाँ पे पांच फ्लिकर की स्टोरीज है हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिजनेस उत्तर प्रदेश ये सारी फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हमारी सारी जो अलग अलग कैटेगरीज की खबरें हैं वो आएंगी और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है बहुत सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की है कि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं लेकिन असली भारत गाँव में बसता है कोई भी व्यक्ति इसको पाँच से सात सेकेंड में जो गाँवों में टू कनेक्टिविटी पर इस वेबसाइट को खोल सकता है कोशिश की जाएगी कि खबरों में जो है सिर्फ मतलब की बातें लिखी जाए फालतू की गासीब न लिखी जाए ताकि जो यूजर्स को पसंद आए सारे हमारे अलग अलग कैटेगरीज हैं ऊपर नीचे। और अब हम अंग्रेजी की जो हमारा पोर्टल पिछले डेढ़ साल से चल रहा है इसको नए लुक एंड फील में जो है हम लॉन्च करेंगे ये हमारा अंग्रेजी का जो है हमारा पोर्टल है और सबसे आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए जो है मोबाइल ऐप अब जो है लॉन्च करेंगे अपना कोई भी व्यक्ति गूगल के प्ले स्टोर में जाएगा एंड्रॉयड ऐप में अभी ये वर्जन हम लोगों ने यह सुविधा दी है और कुछ समय बाद हम इसको एप्पल में लॉन्च करेंगे आईओएस में और अब मैं संबोधन के क्रम में सबसे पहले अपने सर एस एम खान सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपने आशीर्वाद आशीर्वचन हमको दें स्टीज एंड जेंटलमैन आई कॉन्ग्रेचुलेट मनोज फॉर सच ए गुड वर्क विच ही वेरी शॉर्ट टाइम एक्चुअली आई सॉ हिम वर्किंग वेरी क्लोजली वेन आई वॉज विद दूरदर्शन न्यूज एंड ही बिकेम क्वाइट एन iconic फिगर Because he used to conduct our program, Ek Mulakat, which became quite a popular program. And uh, due to some, uh, he then decided to discontinue with the uh, Doordarshan and decided to launch his own website and portal. And in a short period of time, in a very short span of time, he is doing very well, particularly for the political news and the news concerning bureaucrats. सो so, वो मनोज हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में आपको देखना है तो सेक्रेटरीज़ का रिशफल जॉइंट सेक्रेटरीज का रिशफल एडिशनल सेक्रेटरीज़, अदर ब्यूरोट्स डी पुलिस ऑफिसर्स अदर सर्विसेज़ सो यू कैन ऑलवेज रिलई ऑन डायनामेट न्यूज़ जस्ट ही गिवस एन एग्जाम्पल ऑल्सो सो आई विश हिम ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर हिज न्यू एंड देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के और मेरे लिए मेरे दिल में बेहद खास जगह रखने वाले आदरणीय के रहमान खान साहब हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत है कोई भी व्यक्ति इनके दरवाजे पे चला जाए मैं चुनौती देता हूँ कि भारतवर्ष में अस्सी कैबिनेट मंत्री होते हैं किसी भी सरकार में लगभग और पांच या सात कैबिनेट मंत्री का दरवाजा आम आदमियों के लिए खुला रहता है किसी भी सरकार में उसमें से एक के रहमान खान हैं नौजवानों का हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं स्वागत करता हूं कि हमारे फोन पर जो है यहां पधारने का काम किया आशीर्वाद देने का i congratulate manoj for launching the hindi portal of dynamite news. he is one of the senior-most journalists of our country. not just a journalist, but a dedicated journalist who believes in giving correct news and also unbiased news. देश के प्रमुख बिजनेस लीडर्स में से एक जो कहें बिजनेस टाइकून टेक्नोक्रेट आदरणीय एस के जी, सुशील कुमार रुंगटा जी हमारे बीच हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन एस के रूंगटा साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने आशीर्वचन देने के लिए Dignitaries and friends, <coughs> I take the opportunity of congratulating Manoj Shribrewal and the entire Dynamite News team for on this launch of this new Hindi portal and mobile app. In fact, I have known Manoj for uh, some years now. He is extremely energetic, always full of ideas, has got entrepreneurial ability as well as a streak, and he has been restless to do something new. And it's good that, you know he has found his feet and has ventured into his own endeavor i wish his endeavor all the success thank you हमारे बीच देश के जाने माने कानूनविद और राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य संसद सदस्य डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी साहब हैं इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन हमें देने का कष्ट करेंगे भटनागर जी रहमान खान जी मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण मित्रों मनोज विशेष रूप से मनोज टिबरीवाल मैंने खेद प्रकट किया था मनोज को कि मैं आज नहीं आ सकूँगा लेकिन बारूद की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि हमने इनके लिए एक तरफ तो संसद को अवरुद्ध करवा दिया और दूसरा कोर्ट कचहरी में भी विलम्ब जो हो सकता था वो करवा लिया तो मेरे दोनों जो प्रमुख आज की कठिनाइयाँ थी वो हल करवाईं इसलिए मैं बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस बहुत ही शुभ अवसर पे आप सबके साथ हूँ मित्रों बारूद की कई सकारात्मक क्वालिटीज़ भी होती हैं वैसे नकारात्मक होती हैं लेकिन सकारात्मक होती हैं क्योंकि बहुत तेज होता है स्विफ्ट होता है निर्भीक होता है और सकारात्मक इस रूप से कि शिव की तरह नकारात्मक चीज़ों का नष्ट भी करता है और मैं समझता हूँ ये सभी विशेष तत्व को सोचकर मनोज ने इस नए इनिशिएटिव को लिया है बहुत कम समय में मैं मनोज को शायद दूरदर्शन के से भी पहले जानता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि डायनामाइट इनकी है मैं जोधपुर में कोई कार्यक्रम कर रहा था जनसभाएं तो वहाँ पर ये थे और उन्होंने एक मुलाकात की मेरे साथ तब मैंने इसके पूरे प्रभाव को और व्यापकता को समझा और बहुत कम समय में मैं समझता हूँ अंग्रेजी से हिंदी और व्यापकता में भी विषयों में भी बहुत ज़्यादा व्यापकता आई है बहुत कम समय में इसका प्रमुख कारण है मैं समझता हूँ इसलिए कि मनोज भी बारूद की तरह बड़ा डायनेमिक है डायनेमाइटी नहीं डायनेमिक बहुत है और 24 घंटे अपने काम में बहुत कटिबद्धता के साथ और परिश्रम के साथ क्योंकि इनको मैंने अथक परिश्रम करते हुए देखा है जब ये रिपोर्टर के स्तर की बात कर रहा हूँ मैं तब से और मैं समझता हूँ उस सब का आज एक प्रकार से उस परिश्रम का पूरे होने का समय आया है इसलिए सबके साथ मैं इनको विशेष बधाई देता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि बारूद की सभी वो सकारात्मक तत्व और आयाम स्थापित करें जर्नलिज्म के जो कुछ न, नकारात्मक आयाम हैं उनसे दूर रहें वो भी काफी हैं और आगे उन्नति करें स्थापित करें अपने आप को क्योंकि ये बहुत अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच बहुत ही सीनियर आई नरेंद्र कुमार सर हैं डायनामाइट न्यूज़ के दफ्तर भी आ, पहुँचने का इन इनके आने का और मुझे आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मिला इस कर मैम हैं सर हैं बहुत सारे लोग जिनका मैं सरजीत सर जब मैं 2006 9 जनवरी 2006 को जब मैं दिल्ली आया तो सरजीत सर जैसे कुछ साथी थे जिन्होंने गार्जियन के तौर पे मुझे मदद बहुत मदद की सभी का मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मुझे क्षमा करिएगा हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट त्रिदीप रमण साहब हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो हिडन खबरों के लिए हम लोगों के मेंटर हैं और सभी का मैं बहुत शुक्रिया यहाँ अदा करता हूँ अमिताभ य को मैं बुलाना चाहूंगा आए और अपने दो वाक्य हमारे बीच कहें प्राथ। प्राथ। मनोज से ए, मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है वर्ष दो हजार तीन में जब मैं महाराजगंज में एसपी था तब इनसे मुलाकात हुई थी और उस समय हम लोग किसी फुर्सत के लम्हे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा और मनोज को हमने एक, एक एडवाइस दी कि महाराजगंज से बाहर निकलना जरूरी है मैं स्वयं बहुत सरप्राइज हूं कि मनोज ने मेरी बात को इतना सीरियसली लिया क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी टीनेज बेटी जो है वो तो सीरियसली लेते नहीं तो और उसके बाद इन्होंने जो जज्बा दिखाया जो जितनी मेहनत की जो इनके काम करने के तरीके थे और जो उसूल थे जिन पर ये टिके रहे उनके लिए मैं मनोज जी को धन्य को सलाम करता हूँ और इनकी टीम जो है वो उसके साथ भी इंटरेक्शन हुआ इनकी टीम भी बहुत डेडिकेटेड है उसको भी मैं बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं भी देता हूं Uh, मुझे पूरा विश्वास है कि डायनामाइट न्यूज़ दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा इनके साथ चूंकि मैं अब लगभग एक परिवार के की तरह जुड़ा हुआ हूं, मैं तो तहे दिल से ये चाहता ही हूं कि डायनामाइट न्यूज़ देश का सबसे बड़ा सबसे अच्छा सबसे निष्पक्ष सबसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पोर्टल बने और आगे भी आगे भी न्यूज़ की दुनिया में मनोज प्रगति करें जय हिंद एक और बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे बीच है मेरे पूज्य पिताजी मैं गांव से आता हूं बहुत छोटे से ईस्टर्न यूपी के इंडो नेपाल बॉर्डर पे है और मैं 2009 में महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के साथ मैं लंदन के दौरे पर था उनके साथ उनके विशेष विमान में अकंपनी कर रहा था तो मैडम प्रतिभा पाटिल की बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है माँ की तरह आशीर्वाद दिया है उन्होंने तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मैडम से जब मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मिस्टर टिबलेवाल हु इज़ योर रोल मॉडल आई सेड माई फादर तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी और का नाम नहीं लिया हमारे पूज्य पिताजी सुशील टिबलेवाल जी आज हमारे बीच दिल्ली शायद दस साल में पहली बार आए होंगे और मेरी माता जी लक्ष्मी देवी टिबड़ेवाल जी को मैं नमन करता हूँ इस जिनके आदर्शों पर चलकर जिनके दिखाए रास्तों पर चलकर मुझे आगे बढ़ना है और अब मैं आ, विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में आखिरी नाम लूँगा बहुत ही बहुत ही वेटरन शख्सियत और ह्यूमन बींग कोई दुनिया में चला जाए मदद करने वाले पाठक साहब से मेरा जुड़ाव 2006 में हुआ एक गरीब आदमी मेरे इलाके का आया था दिल्ली में एम्स में भर्ती था मैंने पाठक साहब से कहा कुछ इसकी मदद कर दीजिए पाठक साहब ने उस गरीब आदमी के पूरे इलाज का ख़र्चा उठाने का काम किया मैं मामूली एक रिपोर्टर था अजीम शख्सियत बहुत आगाध सम्मान है इनके लिए बिंदुसर पाठक साहब को मैं आमंत्रित करूंगा अपने आशीर्वचन के लिए माननीय से अरुण भट्टागर जी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिगण और सभी विशिष्ट जन रशिद यहाँ बैठे हुए शुभ का हम हार्दिक स्वागत कर, भी करते हैं और मनोज ट्रीवाल जी को इस बात के लिए हम शुभकामना देते हैं कि जो डायनामाइट न्यूज़ ने शुरू किया है वो सफल हो पत्रकार तो तेज होते हैं तड़ाह होते हैं जैसा उन्होंने जी ने कहा खबरों को सबसे पहले संकलन करने का साहस रखते हैं मेरी पत्नी कहती है कि साहब ये पत्रकारों को इतने बेहद जगह पर कैसे ये लोग फ़ोटो निकालते हैं मिलते हैं सरकार नहीं पहुंच पाती है तो ऐसा काम करते हैं लेकिन मनोजी में जो सबसे बड़ी खूबी एक ये है कि तेज तरार तो हैं लेकिन अहंकार इनमें नहीं है पत्रकार हो और अहंकार ना हो तो थोड़ा इससे कम लोग होते हैं क्योंकि अपने पत्रकारिता का उनको इस बात का भान होता है कि हम समाज के सबसे बड़े लोग हैं तो प्रेजिडेंट अब्राहम लिंकन से पहले ही दिन सीनेटर ने प्रश्न किया एक सेनेटर ने प्रश्न ही किया कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपको पता है कि आपके पिताजी मेरे पिताजी के जूता सीते थे तो अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि ये सीनेटर मुझे पता है मेरे पिताजी अच्छे कॉबलर थे और मैं भी अच्छा कॉबलर हूँ तो जी जूता सिलवाना आपको हो तो मुझे भेज दीजिएगा मैं जूता आपका सी दूंगा आपका तो एक राष्ट्रपति पहले दिन ऐसे बातों को इनकाउंटर करता है एक सिलटर से और किस प्रकार से वो जवाब देता है तो मनोज जी में यह है कि पत्रकार तो हैं लेकिन इतने डाउन टू अर्थ हैं इतने ही मतलब इनको तो अहंकार तो नाम की चीज़ ही नहीं है तो सबसे बड़ी बात तो हम इनमें ये देखते हैं कि सब लोगों से इस प्रकार से मधुरता से मिलना जुलना बातें करना तो एक बात तो ये खूब इनमें है अभी हमारे इंटरव्यू लेने गए थे मुझे पता नहीं था कि डायनमेट न्यूज़ से इंटरव्यू ले रहे हैं ये क्योंकि मैं दूरदर्शन में जानता था इनको तो मैंने समझा कि दूरदर्शन की तरफ से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू जब ख़त्म हो गया बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि हम शुरू किया है डायनामंड उससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं कमलेश्वर जी ने इंटरव्यू लिया था एक बार हमारा तो कमलेश्वर जी ने कहा वो शौचालय शौचाचार्य की चर्चा से हट करके जाति पर चले गए थे और उसके बाद प्रश्न पूछा था तो कहा आपने बहुत अच्छा से जवाब दिया तो मैंने कहा कमलेश्वर जी आपने ऐसे प्रश्न ही पूछे हमसे कि अच्छे उत्तर मुझे देने ही पड़े आपको तो इन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हमसे अब तो अब तो पोर्टल पर आ गया होगा आप सुने होंगे या सुनेंगे आप फिर से ऐसे ऐसे प्रश्न किया उन्होंने उससे स्वाभाविक था कि उसके उत्तर अच्छे हो सकते हैं तो यह भी हम खूबी है कि जब प्रश्न करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि जो उत्तर देना आदमी है उसके भीतर की बात बाहर निकल जाए और फिर उसमें जो सौम्यता इनमें है वो महत्वपूर्ण है और स्वरण लेते हुए हम के पिताजी आए हुए हैं माँ भी आए हुए हैं मैं भी अपने पिता माँ का ऋणी हूँ तो बहुत अच्छी बात है उनको भी प्रणाम करते हैं और हम इनके सफल डैनवाडी उसके कर्म कामना करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सबसे महत्वपूर्ण तो अपने प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन और मेरे अभिभावक अरुण भटनागर सर को आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि अपने आशीर्वचन हमें दें माननीय विशिष्ट अतिगण अतिथिगण आमंत्रित महानुभाव बुजुर्गों बहनों भाइयों मित्रों आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं भाई मनोज टिबरेवाल जी और उनकी तमाम टीम को शुभकामनाएँ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने एक अपने सफ़र में अपनी मंजिल की तरफ एक अहम क़दम बढ़ाया है और जैसा कि आपने अभी सुना वक्ताओं से डॉक्टर सिंघवी साहब से और पाठक साहब से और हमारे मेहमानों से उनके बारे में वो निश्चित ही इस पहल को कामयाब बनाएंगे और नई ऊंचाइयों तक नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे ऐसा हमारा विश्वास है और शुभकामनाएं भी हैं भाई मनोज टिब्रेवाल जी किसी इंट्रोडक्शन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं आपने उनके बारे में सुना जानते हैं आप उनको और मेरे जैसे लोगों को आज मौका मिला आप सबसे मिलने का उनसे मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना हुआ है लेकिन कई लोग यहाँ ऐसे हैं जो उनको बहुत पहले से भी जानते हैं ही इज़ ए यंग मैन ऑफ ग्रेट टैलेंट सिंसेरिटी इंटेग्रिटी एबिलिटी और मेरा जो उनसे रिश्ता बना उससे मैं लाभान्वित हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये रिश्ता हमारा ये लगाव बना रहेगा और आप सबके साथ हम उनकी प्रगति को देखेंगे और उनसे मिलते जुलते रहेंगे और इसी तरह के समारोह आगे चलकर होते रहेंगे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे याद किया और फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो निरंतर प्रगति करते रहें धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का आभार यह मेरा पहला कार्यक्रम था जीवन का पहला कार्यक्रम दिल्ली में मैं गांव से आता हूं डॉक्टर सिंघवी डॉक्टर पाठक को देखकर बहुत कुछ सीखा है कैसे कार्यक्रम कराए जाते हैं पहला कार्यक्रम है आप सभी ने इतना स्नेह प्यार दिया मैं बहुत आभारी हूँ और आगे भी मैं जो कार्यक्रम कराऊँगा उसमें आप सभी की कीमती समय मैं चाहूँगा और अब लास्ट लास्ट हमारा प्रोग्राम समाप्त है हमारे डायनामाइट न्यूज के सारे बच्चे जो डॉक्टर सिंघवी की खूब ट्वीट्स करते हैं एक ग्रुप फोटोग्राफ सभी के साथ उसके कार्यक्रम का समापन होगा। फादर इल्ला और मदर इन ला भी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज करूं। mm -hmm. प्लीज जॉइन दिस प्लीज फिर सबका दिल की गहराइयों से भारतीय विद्या भवन वाई एमसीए के हमारे डायरेक्टर दिलीप मैक्यून सर का सभी लोगों का बहुत बहुत आभार पवन राय जी का थैंक यू सो मच